कांग्रेस को अलविदा कह चुके डॉक्टर अशोक तंवर आज अलग अंदाज में हरियाणा में कहीं भी अपने समर्थकों के बीच पहुंच जाते हैं। इसी तरह आज तंवर अपने समर्थकों से मिलने यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि आज हरियाणा में अगर विपक्ष होता तो किसानों की बजाय वो पिटते। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष नदारद है और किसान सड़क से लेकर संसद तक मार खा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि किसान आंदोलन में किसान नहीं कांग्रेसी हैं। इस पर पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा कि किसान तो सड़कों पर आए हैं, कांग्रेस आज सड़कों पर नहीं बल्कि दूध मलाई खाने में व्यस्त है और पूंजीपतियों के लिए भाजपा कांग्रेस मिलकर काम कर रही है। अगर प्रदेश में आज विपक्ष है तो सड़कों के ऊपर होता, किसानों की बजाय वो पिटते हैं। मैं समझता हूँ कि राहुल जी को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस तो नदारद है और कोई है नहीं मामला, और किसान बेचारे और संसद से लेकर उनके और सड़क तक लगातार मार खा रहे हैं। ऐसे ही गरीब मजदूर के हाल है, देश संकट में है और ऐसे में जो भी मैदान में उतर सके उसको सब लोगों को मैदान में उतरना चाहिए और खासतौर से जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो सबसे पहले सड़क। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि बड़ौदा में जनता बीजेपी को हराना चाहती है, कांग्रेस बीजेपी को जिताना चाहती है। अब देखना होगा कि जनता बीजेपी को जिताएगी या कांग्रेस को जिताएगी, कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा। बड़ौदा तो मैं होके आया हूँ, बड़ौदा में जो बड़ौदा की जनता है वो बीजेपी को हराना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी को जिताना चाहती है। तो अब देखेंगे कि जनता जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हालात बहुत नाजुक है। जितनी भी सरकारें रही पिछले 20-25 साल में, उन्होंने पूरी तरीके से बड़ौदा की अनदेखी करी है और वहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। पर एक जिले के अंदर ये संभव ही नहीं है कि दो IMT हो। ये पूरी तरीके से लोगों को गुमराह करके वोट बटोरने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है, जो उन्होंने जींद चुनाव में भी किया था। आज जींद की दशा देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। वहीं हाथरस प्रकरण पर तंवर बोले कि हाथरस पर जो हुआ वो हमारे प्रदेश में भी हमने देखा है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में न्याय कभी नहीं देते, कभी संवेदना व्यक्त नहीं की जाती। देखिए हाथरस पे तो हमारे प्रदेश में भी हमने देखा, जब मिर्चपुर कांड हुआ, बाप और बेटी को जिंदा जला दिया गया, वो तो किसके समय में हुआ हम सब जानते हैं। उसके बाद बगाना हुआ, वहाँ से गांव से लोगों का पलायन हुआ, जो गुहाना के अंदर एक लारा करके हमारे साथी थे अल्मीकि समाज में, उनका उस समय एनकाउंटर करवा दिया। अब वही लोग जो है उत्तर प्रदेश में, अपने प्रदेश में न्याय कभी देते नहीं। प्रदेश में गैंगरेप रेप की घटनाएं, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं होती, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ हुई, कभी उनसे संवेदनाएं व्यक्त नहीं करी। वो लोग जो है राहुल गांधी को हजार धक्के मरवा रहे हैं।